हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। सिराज जी की एक नई वीडियो आने वाली है और ईद को लेके अभी बहुत जगह पे लोग, मेरे भी सब्सक्राइबर जो है बहुत ज्यादा बिजी हैं शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल आप लोग वीडियोस पे कमेंट कम कर रहे हो गाइस। तो प्लीज आगे पहले कमेंट कर देना, और पहले कैसे करोगे कमेंट, कमेंट लास्ट में करना। आज मैं सिराज जी की नई वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। वैसे ड्रोन वाला भी वीडियो आ रखा था, उस पर मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उसके लिए, लेकिन इस पे ये कल ही आ रखा तो आज करूंगी मैं इस पे रिएक्ट। टाइटल है बेस्ट इफ्तारी, होना चाहिए था ना, इफ्तार लिखा है, चलो दोनों बोलते होंगे। बेस्ट इफ्तार ऑफ माय लाइफ, मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन विलेज लाइफ इन पाकिस्तान, गिलगित बलिस्तान। आज पूरा बड़ा टाइटल डाल दिया है, तो देख लेते हैं। और इफ्तारी चल रही है तो हर जगह खाना पीना मौज मस्ती चल रहा है भाई, मेरे को भी बुला ले कोई खाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं। अभी तो आज और मेरे इफ्तारी 70 साल का हो गया मैं है। भी फर्स्ट वीडियो देख रही हूँ, मैं आज तक कभी तो देखा नहीं। ये देखो, ये है बाबू जी का घर, देखो बाबू जी का घर, ये पानी कहाँ से आते हैं बाबू जी? हाँ, ये ऊपर पहाड़ है ना। वाह, कितना सुंदर लग रहा। जब हम माँ बाप को पैदा हो गया उस वक्त से यहाँ रहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी लक्ष्मी दुआ पे कामा तुआले का अफ्तर तुआले का तवक्कल तुआला अजीज पे अफ्तर। ये क्या बोला इसने स्टार्टिंग में? बहुत यम्मी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अकेले अकेले गांव में घूम रहा हूँ। देखो आज मुझे ग्रीन भी होने लगी, पीछे पीछे कितना प्यारा लगने लग गया यार, अब तो बिल्कुल जन्नत सा लगेगा। एक बाबा जी के घर हम इफ्तारी के लिए जा रहे हैं। देखो अभी हम बाबा जी के घर इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था ना। जल्दी वेलकम बैक करो। वेलकम बैक टू माय चैनल, और थैंक यू सबका आंसर। आज का थोड़ा टाइटल चेंज हो गया माय चैनल, थैंक यू। यार बहुत खूबसूरत घर है यार, अनुष्का बीमार है शायद थोड़ा। ये देखो ये पानी है, ये देखो ये बड़बड़ है, ये घर तो नहीं। तो मैं और मुस्कान अभी बाबा जी के घर इस तरह के जा रहे हैं। तो ये देखो ये है बाबा जी का घर, देखो मैं आपको बाबा जी के घर अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी खूबसूरत है, चल चलते हैं। ये देखो ये है बाबा जी का घर, देखो देखो खूबसूरत है। ये खोल के, ये गेट है, ये गेट है, खुल गया, हम घर पहुंच गया है। ये देखो अभी हम घर पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या हाल है? आप क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं? ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, ठीक हूँ, बस शुक्र अल्लाह का। मुस्कान कैसे हैं? आप भी हाथ दे दो, ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम कहो ना, ठीक से कहो ना मुस्कान। शर्मा गई हो, इसको थोड़ा शर्म आते है इसलिए, इसको थोड़ा शर्म आते है इसलिए सलाम नहीं करते हैं। देखो बाबा जी के पास कितने मुर्गे भी है, मैं उनको पूछता हूँ कितने मुर्गे है। बाबा जी कितना मुर्गे है यहाँ पे आपके? मेरे एक मुर्गा है, दो मुर्गी है। अच्छा दो मुर्गी है, इसकी एक मुर्गा है दो मुर्गी है। देखो ये बाबा जी अभी लकड़ी काट रहे हैं खाना बनाने के लिए, देखो ये देखो ये बाबा जी किस मुर्गी भी लकड़ी काट रहे हैं यार, देखो यार यार कितनी नेचुरल लाइफ है ना। लकड़ी कैसे काटा है? कुछ चीजें बाहर से नहीं, आपको सारी चीजें खुद से करनी है। कोई नहीं है, मैं ये अच्छा लगता है, अकेले हूँ, बच्चों से नहीं होता है। अच्छा, तो ये कुड़ारी हम लेकर हम खुद इसको तोड़ता है। अच्छा, इफ्तारी तो हमने करना है ना। सही बात, अकेले तोड़ते हैं आप? हाँ, मैं आपकी मदद करूँ? नहीं आप नहीं करें, मैं खुद कराता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाबूजी तो बहुत अच्छा है, मुझे करने नहीं दे रही, ये खुद काट रहे हैं। अभी आप ये लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं खेतों को पानी लगाने के लिए जाता है अभी इस टाइम पे, क्योंकि जमीन सूखा हुआ है ना, उसको पानी की प्यास लगता है। वो तो इंसान नहीं है ना, क्यों पानी देते हैं? हाँ, ये घास उलाते हैं ना, गंदम आता है। हाँ, तो गंदम आते तो इसको मशीन में लगा के पिसा के, हाँ, थ्रेशर चला के, हाँ, उसको गंदुम निकाल के रोटी बनाते खाएगा ना। अच्छा अच्छा, आप समझ आया मुझे। अच्छा अच्छा, अभी मैं भी बाबा जी के साथ उनके खेत में जा रहा हूँ, देखो देखो। ओ यार,
कितना सुंदर लग रहा है। देखो अभी ये बाबा जी खेत को पानी लगा रहा है। देखो ये पानी कहाँ से आते हैं बाबा जी? हाँ, ये ऊपर पहाड़ से है ना, बर्फ जमा के दूध निकालते हैं तो बर्फ जम के पिघल के आता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और ये पानी कैसे आता है? हाँ, ये खेत को लगाते हैं। खेत को लगाते हैं ये पानी? अभी भी पहाड़ों में बर्फ है ऊपर ना। पहले पहले फिर पानी बना, पहले पहले पानी बनाते हैं फिर बनाते हैं। तो ये देखे अभी पानी में रखा हुआ है। और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये बिल्कुल लेकर। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कर रहे हैं? ये दरख को पानी दे रहे हैं। दरख को पानी लगा के जा रहा था। अच्छा देखो ये बच्चा दरख को पानी डालने के लिए जा रहा था। हमारे पहाड़ में ऐसा अच्छा अच्छा बच्चे हैं। अच्छा अच्छा बच्चे हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा अच्छा पढ़ाई भी करो, ठीक है, काम भी करो, ठीक है। कंफ्यूज हो गया बच्चा बेचारा। ओ ठीक है, ले ठीक है, बड़े मुश्किल से ठीक है बोला। ये देखो हमारे यहाँ पे दरख लगाने का सीजन हो चुका है। दरख लगाना बहुत अच्छी बात है। A few minutes later, मैं आपके घर इस तारीख के लिए आया हूँ। आप नाराज सुनिए हो? बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। चलो ना हमारे घर चले। शुक्रिया शुक्रिया। देखेगा घर चले। ये देखो ये बाबू जी कितना अच्छा है यार, मेरे घर लेके जा रहे हैं यार। चलो ये देखो ये बाबू जी तो मुस्कान चढ़ जाती है। सिराज डरता है चलने में कहीं भी, ऐसे पेड़ वगैरह में भी। ये देखो अभी हम बाबू जी के घर में पहुंच गया है। देखो अस्सलाम वालेकुम। तो बाबू जी से हम कुछ देर बात करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? बस वैसे बैठा हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। सलमान है? अच्छा, इसका नाम सलमान है। ये सलमान बाबा बहुत अच्छा है। आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मेरे 70 साल हो गया है। 70 साल हो गया है। अच्छा। फिर भी बताओ सारा तो काम कैसे? पहाड़ों में जिंदगी कैसा हो रहा है? हाँ, शहर की तरह नहीं होता है। पहाड़ों में सर्दियों में बहुत सर्दी होता है, बर्फ होता है, ठंड लगता है। अभी गर्मी में बस थोड़ा बहुत यहाँ सुलझत है। इतना गर्मी नहीं होता है, फिर भी अभी देखो। हाँ यार बताओ, अभी भी जैकेट पहन रखे हमारे, वहाँ गर्मी से हालत डाउन हो रखी है। बहुत सर्दी होता है यहाँ। आप क्या काम करता है? मैं बस बिस्किट बनाता हूँ, टोकरी बकरी बनाता है, ये बेचता है। 200-300 रुपए आता है, वही पर हम गुजारा करता है। अच्छा अच्छा, बास्किट बनाते हैं आप? बास्किट बनाता है। सिर्फ बास्किट? हाँ हाँ, सिर्फ बास्किट बनाता है। ये देखो इस सर्दियों में ये बाबू जी बास्किट बनाते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, वीडियो में बास्किट बना रहे हैं। बाकी ये बाबू जी का घर है, देखो कितना खूबसूरत है। ये किचन है और वो सारे कमरा है। तो अभी यहाँ पे इस तरह तैयार हो रहा है, देखो। तो अभी इस तरह का टाइम हो गया, तो अभी हम इस तरह करते है। देखो दस्तखान लग चुका है, तो अभी दस्तखान लग चुका है। देखो तो अभी हम आजान आने के इंतजार कर रहा है। देखो आजान होगा ना, फिर हम इफ्तारी करेंगे। आप इफ्तारी में क्या क्या खाते हैं? मैं ये रोटी खाता हूँ, और ये या पकोड़ा, ये पकोड़ा है, ये खाते हैं। अच्छा, यही खाते हैं। नमकीन चाय पीते हैं? नमकीन चाय भी पीते हैं। हाँ, बस इसीलिए तो हमें इफ्तारी होता है। अच्छा, यही इफ्तारी होता है? जी जी, यही इफ्तारी होता है। और कुछ नहीं खाते हैं? सिर्फ नमकीन चाय पीता है मैं। नमकीन चाय और ये सारे? अच्छा अच्छा, रोटी के साथ कश्मीरी चाय पीता है। ये देखो ये बाबूजी दूध पीता है, पकौड़ा खाता है और रोटी भी खाता है। सिर्फ यही खाते हैं और नमकीन चाय भी पीते हैं इफ्तारी में। तो अभी आजान हो गए, तो आते हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले पैरों सोरा पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह लखसुम दुआ पे कामा तो वाले का अफ्तार वाले का तवक्कल तो वाला अजीज पे अफ्तार तो फिर खाते हैं। हाँ, बहुत यम्मी है।
खत्म हो गया यार। यार ये दूध तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया यार। देखो फिर पकौड़ा भी खाते हैं, पकौड़ा भी अम्मी अम्मी है यार। यहाँ पे सब कुछ अम्मी है यार इस घर में तो। मुस्कान आपको कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, इसको भी बहुत अच्छा लगा। देखो अच्छी तरह खाओ, ठीक है? ठीक है तो खाओ। ये देखो ये बाबूजी का घर है, देखो ये लाइट भी है, सब कुछ है, टीवी भी है, देखो टीवी में कार्टून भी आते हैं। तो बिजली बंद होते है ना तो ये लाइट भी जलाते हैं। देखो देखो बाहर से भी खूबसूरत है लेकिन ये घर पुराना है। देखो, देखो। ये पूरा घर मिट्टी से बनाया गया है। देखो बाबा जी आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? जब हम माँ बाप को पैदा हो गया उस वक्त से यहाँ रहता हूँ। अच्छा अच्छा यहाँ से रहता है। हाँ, 70 साल के बाबा जी खुद ही हैं। मैं पहले उधर था, बहुत टाइम वो घर पानी ने ले गया। अच्छा फिर दर्जा के गुस्से के रोक दे वो पानी वज हो गया। अच्छा जमीन सारे वज हो गया तो हम इधर आके इधर का ये कच्चा घर बना के हम इधर बैठता है। अच्छा इधर बैठा है। देखो ये बाबूजी कच्चा घर में बैठा है। बेटा है? कितना बेटा कितना बेटी है? मेरे कोई बेटा नहीं है। कोई बेटा नहीं है? कोई नहीं है, सिर्फ तीन बेटी है। तीन बेटी है? अच्छा अच्छा। आप इस उम्र में भी काम करते हैं? नहीं करते हैं? मैं काम नहीं करता है। नहीं करता है? कर नहीं सकता है। कर नहीं सकते? अच्छा अच्छा। तो इफ्तारी कर दिया, मुझे बहुत मजा आया। तो चलो अभी चलते हैं। तो दोस्तों आज ही मैं घर आया हूँ। आज बाबा जी के घर भी गया, बहुत मजा आया, इफ्तारी भी किया। वो बाबा जी के घर भी कच्चा है, वो उस घर में रह नहीं सकता। उसकी बेटा भी नहीं है, वो अभी बूढ़ा हो चुका है। आप में से उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर उनका घर बनाना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज, लव यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना जरूर करना। थैंक यू, लव यू। ओके वीडियो हो गया खत्म। तो ये था सिराजी का बेस्ट इफ्तारी ऑफ माय लाइफ करके, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे पहला जो ही बेस्ट होगा उनका यही वाला इफ्तारी होगा। और वैसे भी इफ्तारी की मैं वीडियोस जो है मैं बहुत ज़्यादा देखती नहीं थी पहले से, और देखती क्या नहीं थी, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं होता था। तो इस बार मैं सिराजी के माध्यम से इफ्तारी की वीडियो भी मैं देख लेती हूँ। बाकी तो मैं और चीज़ क्या ही बोलूँ, लेकिन जो उसमें खाना भाई टेस्टी दिख रहा है मुझे, मेरा भी उसको देख के खाने का मन कर जाए कि आप पकौड़े बना रहे हो, कोई कुछ कोई चिप्स वगैरह वगैरह, अरे वाह, सारे मेरे ही फेवरेट है। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे एक पुराना एक वीडियो और था इनका ड्रोन वाला, उस पर मैंने रिएक्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन ये अभी रिसेंटली आया हुआ था तो मैंने इस पर रिएक्ट कर दिया। और गाइस जो ये वीडियो था ना, इसमें सिर्फ इफ्तारी ही नहीं, मतलब सिराजी अपने से बड़ों को किस तरीके से इज्जत देते हैं, मतलब यह किस रिस्पेक्ट से बात करता है हर किसी से, इतने प्यार से, आपके घर में कौन कौन है, आपका कोई बेटा है नहीं है, मतलब यार ये ना कनेक्ट करता है आपस में। मुझे ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगती है, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना और अपने गाँव में हर किसी से बात कर लेता, रास्ते पर भी कोई मिल गया ना तो उससे भी बहुत प्यार से बात करता है। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। और गाइस आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग था लग रहा आजकल थोड़ा वीडियो कम देख रहे हो, या फिर आप इफ्तारी की वजह से ज़्यादा बिजी हो क्योंकि ईद आने वाली है, तो यार अगर जो वहाँ से देख रहा है गिलगित बलिस्तान से मेरी वीडियोस देख रहा है, प्लीज़ गाइस कमेंट करना। और मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।